हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एम टी करियर मेकर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। मैं रमन कुमार आज लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो कि यू पी पी सी एल ए ई जो कि अभी वैकेंसी आपकी आई है और 6 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हुआ है भलाई भरने का और आपके 30 नवंबर तक है इसका डेट। और ये आपके इलेक्ट्रिकल और ई सी ई सी टी सी एस आई टी इन सब के लिए, सिविल इन सब के लिए वैकेंसी है। तो मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपके कि इसके पेपर पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न, डिटेल सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर, क्रैश कोर्स जो हम कराने वाले हैं उसका डिटेल्स, तो आप लोग इस चैनल से बने रहें। सो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये आपका कॉमन पेपर होता है जितने भी आपके पोस्ट हैं, यानी कि जितने भी ब्रांच के लिए हैं सबके लिए होता है। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 50 होते हैं। इस 50 में आपके जीके चाहे जनरल अवेयरनेस कह लीजिए, इसके क्वेश्चन होते हैं आपके 20 क्वेश्चन। इसके बाद आपके रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग और एफटी इसमें दोनों हैं, इसमें लिखा हुआ है आपके अभी जो इसका ब्राउचर आया, इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, तो एफटी यानी कि क्वांट, ये दोनों मिला के आपका 20 क्वेश्चन है। और आपके हिंदी जो कि लैंग्वेज है आपको पता होगा 10 क्वेश्चन, इसके 10 क्वेश्चन, तो टोटल ये हो जाते हैं 50 क्वेश्चन। बात कर लेते हैं उसके बाद आपके जो टेक्निकल पेपर हैं बी बी टेक के, तो स्पेसिफाइड ट्रेड जैसे ईसी वालों का अलग, इलेक्ट्रिकल वालों का अलग, सीएस वालों का अलग, आईटी वालों का अलग, तो सिविल वालों का अलग, तो ये रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150 ये रहेंगे, इससे देख सकते हैं। और टोटल जो ड्यूरेशन होगा एग्ज़ाम का वो होगा 120 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस मैंने बता ही दिया आपको, जनरल अवेयरनेस, हिंदी, रीजनिंग और ये स्पेसिफाइज डिसिप्लिन ट्रेड, तो उसमें क्लियरली आपका मेंशन है, जब आप जो उसका नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका जो डिसिप्लिन ट्रेड यानी कि जो ब्रांच पेपर होगा बी बी टेक वाला जो पेपर होगा 150 क्वेश्चन का, वो उसका सिलेबस आपके गेट 2018 का जो सिलेबस है वही सिलेबस सेम रहेगा। आप लोग पढ़ सकते हैं, क्लियरली उस पर मेंशन है, तो जो गेट में सिलेबस है एज इट इज वही सिलेबस आपको इसमें आने वाले हैं। और आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय आईआईटी कानपुर, तो आईआईटी कानपुर एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है इसका, ठीक है। सो अब देख लेते हैं इसका जो सिलेबस आपके ट्रेड का है, तो अभी मैं आपको ईसी वालों का दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिकल वालों का फिर से मैं डिस्कस करूँगा अगेन दूसरे वीडियो में। तो अभी ईसी वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन वाले हैं वो देख सकते हैं, और लोग पूछते हैं कि ईसी वाले भर सकते हैं कि नहीं, तो आपके इक्विवेलेंट हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये सारे ब्रांच उसमें लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंट ब्रांच, तो उसमें इक्विवेलेंट उसका होता है, तो वो सारे इसमें एलिजिबल हैं। सो फर्स्ट देख लेते हैं सेक्शन वन में आपके, ये देख सकते हैं आपका यहाँ पे सिलेबस लगा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, न्यूमेरिकल मेथड, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, तो उसमें क्या क्या है वो सिलेबस में आपका है मैथ का। ये गेट के आपके सिलेबस हैं, अभी रिसेंटली जो गेट का एग्जाम हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है गेट 2018 का सिलेबस, तो ये हैं आपके। और बात कर ले इसमें, क्योंकि प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है मैं दिखाऊंगा आपको, तो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है उसमें पहले मैथ के क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन क्योंकि गेट का सिलेबस बोला है तो गेट में मैथ है तो मैथ आ सकते हैं। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें जो है, उसके बाद सेक्शन टू में है नेटवर्क्स एंड सिग्नल एंड सिस्टम, तो नेटवर्क थ्योरी का देख सकते हैं, नोडल, मेस, थ्योरम्स, स्टार डेल्टा, कन्वर्जन, टाइम डोमेन एनालिसिस जो कि सिंपल सर्किट के लिए हैं, उसके बाद उसके नेटवर्क इक्वेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टू पोर्ट नेटवर्क, तो ये सारे हैं आपके। उसके बाद सिग्नल सिस्टम उसमें था, और ये वाला पार्ट है आपका सिग्नल एंड सिस्टम का, तो देख सकते हैं इसमें फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपके डी टी एफ टी, जेड ट्रांसफॉर्म, डी एफ टी, तो ये सारे आपके सिग्नल एंड सिस्टम से हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं ई डी सी और एनालॉग सर्किट्स, तो ईडीसी आपको पता है यहाँ पे सिलेबस लगा हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एनालॉग डिजिटल सर्किट, इसके बाद है आपके कंट्रोल सिस्टम, फिर है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों से क्वेश्चन आएंगे,
नेक्स्ट है इसमें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे ईसी वालों का 2013 के पेपर के बेसिस पे कि किसका क्या वेटेज आया था, तो वो देख लेते हैं पहले। तो इसमें जो ये पेपर आपके यूपीपीसीएल प्रीवियस ईयर 2013 का पेपर हुआ था ईसीटी वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन वालों के लिए, तो उसमें ये 150 क्वेश्चंस जो आए थे उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे आपके वेटेज पता चल जाएंगे किसका क्या वेटेज है। और ये पेपर आपको बाद में मिल जाएगा, 2-3 दिन में आपको ये पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किसी वीडियो में दे दूंगा आपको, चाहे फेसबुक वगैरह पे मिल जाएगा। तो इसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया है, इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपके ईडीसी और एनालॉग से टोटल 33 क्वेश्चन आए थे, जो कि ऑलमोस्ट ये आपके 22% अराउंड इसका, तो अराउंड इसके 22% वेटेज होते हैं। कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन आए, जिसका कि आपको अराउंड 13.33% वेटेज होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो प्रोसेसर से 20 क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर से ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद सिग्नल एंड सिस्टम से 14 क्वेश्चन है, कंट्रोल सिस्टम से 21 क्वेश्चन है, नेटवर्क थ्योरी से 20 क्वेश्चन हैं, ईएमटी से 22 क्वेश्चन हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं किसका क्या वेटेज है। तो ऐसे 2013 के पेपर में आया हुआ है, आपको पेपर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। हमारे पास पेपर का पूरा एनालिसिस किया हूँ, आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड किया कर दिया जाएगा इसका पेपर। और इसमें जो क्रैश कोर्स की अगर बात करें, और दूसरी बात हिंदी की थोड़ी सी बात कर ले, जो नॉन टेक वाले सेक्शन हैं तो उसमें हिंदी में क्या क्या आते हैं, तो हिंदी में आपके जो आते हैं, एक तो ये समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक, उसके बाद वो विलोम शब्द जो होता है, यानी कि विपरीतार्थक, अपोजिट मीनिंग, सिनोनिम सेंटिनिम जैसे होते हैं वैसे ही। इसके बाद आपको अनेक शब्द के लिए एक शब्द, दूसरा उसके बाद आपके हैं पर्यायवाची शब्द, इसके बाद आपके लोकोक्ति मुहावरा, और एक पैसेज था उसमें जिसको कंप्रिहेंशन आप बोल सकते हैं, वाक्यांश शब्दांश जो भी हैं, उसमें 3 क्वेश्चंस थे। तो समानार्थक से 1-2 क्वेश्चंस थे, विलोम शब्द से 1-2 क्वेश्चंस थे, उसके बाद वर्तनी से 1 क्वेश्चन था, वर्तनी से भी क्वेश्चन था एक, और पर्यायवाची शब्द था, मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ था उसको एक शब्द में लिखना था, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वैसे क्वेश्चन थे। उसके बाद लोकोक्ति मुहावरा से था, एक कंपेसर दिया हुआ था उससे आपके 3 क्वेश्चंस थे, और एक वर्तनी से क्वेश्चंस थे। तो ये आपके शुद्ध जो हिंदी के व्याकरण होते हैं तो उससे हैं। तो हमारे क्रैश कोर्स में हिंदी का भी कराया जाएगा आपको, कि उससे बाहर के कोई क्वेश्चंस आएंगे नहीं। और जीके आपको पता ही है कि जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर से ही उसमें भी क्वेश्चन थे, 1-2 हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, नहीं तो सारे करेंट अफेयर के ही थे। स्पोर्ट्स से थे, एक ओलंपिक्स वाला था, एशियन गेम्स का क्वेश्चन था, और इसमें आपके क्रिकेट से भी क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके करेंट अफेयर वाले सेक्शन हैं। और दूसरी बात अगर करें हम, तो आपके सारे जो हैं आपके मिनिस्टर वगैरह से भी एक आध क्वेश्चन रहते हैं। तो करंट अफेयर में जैसा आपका रिसेंटली ट्रेंड है, उसी टाइप के आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन रहेंगे वो जीके वाले से। रीजनिंग में आपके तो एप्टीट्यूड और ये रीजनिंग दोनों है, तो रीजनिंग जैसा नॉर्मल है वैसे ही सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। और ये नॉन टेक के हैं, तो नॉन टेक में 50 में आप मिनिमम 40 स्कोर कर सकते हैं, कोई मतलब टफ पेपर नहीं है, बड़ा इजी पेपर होता है। और 150 की बात करें तो वो आपके आईएएस गेट लेवल से थोड़ा सा कम है लेवल, थोड़ा क्या मतलब कम रहेगा, उतना लेवल नहीं रहेगा, लेकिन आप उसी, आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए उसी लेवल का होना चाहिए। तो अभी हमारा जो टेक्निकल का, परसों से टेक्निकल का वीडियो आएगा, कल आपके आ जाएंगे ये करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़, इसके कल से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं क्रैश कोर्स, परसों से आपके टेक्निकल आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये जो टेक्निकल होगा, जो लोग नाइलेट का फॉर्म भरे हैं, नाइलेट साइंटिस्ट बी का और साइंटिफिक असिस्टेंट का, तो कॉमन रहेगा टेक्निकल, क्योंकि उसमें कॉमन है। और इलेक्ट्रिकल वालों की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल वालों का जो कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे एनालॉग ईडीसी उनको भी है, कम्युनिकेशन भी है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी है,
और कंट्रोल सिस्टम भी है उनको, नेटवर्क थ्योरी भी है, तो उनको ऑलमोस्ट इसके मैक्सिमम जो पार्ट है लगभग 5 to 6 सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो वही कराया जाएगा उनका जो ब्रांच पेपर का, जो जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, चाहे मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, तो ये जो 3 है तो वो नहीं कवर होगा इसमें, बाकी आपके जो कॉमन है वो कवर होगा, अच्छे से कवर होगा, और बाकी किसी दूसरे ब्रांच का टेक्निकल मैं नहीं करवा पाऊंगा। सो सिर्फ ईसी और इलेक्ट्रिकल के जो कॉमन है वो, और नॉन टेक सबके समान है तो नॉन टेक सबका चलेगा। हिंदी भी कराया जाएगा, रीजनिंग भी कराया जाएगा, और आपके जीके भी कराए जाएंगे। तो ये थे हमारे कोर्स, क्रैश कोर्स के डिटेल्स, और टेक्निकल आपका कंबाइंड चलेगा इनके साथ, नाइलेट के साथ, नाइलेट और ये दोनों का, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। तो ये है हमारे शेड्यूल क्रैश कोर्स के, जो कि कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, और ये थे आपके पेपर एनालिसिस, फुल पेपर एनालिसिस आपके कह सकते हैं कि किसका क्या वेटेज था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सीएमटी, स्टे ट्यून्ड सीएमटी।